हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉक्स। आई एम परीक्षा पटेल। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है? आपने शायद अभी तक यही सोचा होगा कि देख लेंगे, पहले ये ख़त्म कर लूँ, सीए कर लूँ, फिर उसके बाद देख लूँगा, एमबीबीएस कर लूँ या फिर उसके बाद सोच लूँगा, ना कि यही करना है। तो दोस्तों, अगर आपने गोल अभी तक सेट नहीं किया है तो आप कभी सही डायरेक्शन में काम नहीं कर सकोगे, क्योंकि फिर जब आप अपने गोल सेट करने बैठोगे तब आपको रियलाइज होगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया उन चीज़ों के पीछे कि जो आपके गोल के रिलेटेड है ही नहीं। तो दोस्तों, एक साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव हुआ है कि टोटल 100% में से 83% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके गोल्स ही नहीं होते, और 14% लोग ऐसे होते हैं कि जिनके गोल क्लियर नहीं होते, और बाकी के जो 3% लोग बचे उनके ही गोल डिसाइडेड होते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोल कैसे सेट करें और हमारा गोल एक्चुअली में होना कैसा चाहिए। तो दोस्तों, गोल सेट करने से पहले आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपना सही गोल सेट कर सकते हो और उसके लिए आप सही प्लान भी कर सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। हाँ, सही सोचा, आपके जैसा स्मार्ट। सो अब शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि स्मार्ट गोल मतलब कैसा गोल। सो लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज स्मार्ट गोल। सो फर्स्ट कम्स एस। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। लाइक अगर आपको किसी डिग्री अचीव करके किसी कंपनी में एचआर या फिर डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंचना है तो ये आपका स्पेसिफिक गोल हुआ। बट आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी कंपनी में और कौन से डेजिग्नेशन तक पहुँचना है। अगर आपका गोल ही स्पेसिफिक नहीं होगा तो अगेन आपके माइंड में यही आएगा कि देख लेंगे, पहले डिग्री खत्म कर लूँ उसके बाद सोचूंगा। नेक्स्ट एम। एम स्टैंड फॉर मेजरेबल। तो दोस्तों, उसका मतलब कि आप उन सब चीज़ों को मेजर कर सकते होने चाहिए, कि उसको अचीव करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कि ये मैंने अचीव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप महीने में 50,000 रुपये कमाना चाहते हो तो ये गोल आपका मेजरेबल हुआ। अब हम बात करते हैं स्मार्ट गोल के अगले एलिमेंट पे, जो कि है ए। ए स्टैंड फॉर एचीवेबल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका गोल एचीवेबल होना चाहिए। गोल ऐसा सेट मत कीजिए जो अचीव ही नहीं कर सकते हो। लाइक हम किसी कंपनी में सीनियर की पोस्ट पे हैं तो 6 मंथ में हम सीईओ बनने का गोल रखेंगे तो ये अचीवेबल नहीं है। सीनियर की पोस्ट पे आप 6 मंथ में मैनेजर की पोस्ट अचीव कर सकते हो, तो ये गोल आपका अचीवेबल हुआ। नाउ नेक्स्ट आर। आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक। तो दोस्तों, अगर आपको सिंगर और डांसर बनने का पैशन है तो पहले सोचो कि क्या ये एबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है तो प्लीज़ आपके उस पैशन को कैरियर में मत कन्वर्ट करो। अब हम बात करते हैं लास्ट एलिमेंट, जो कि वो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है, डेट इज़ टी। टी फॉर टाइम बाउंड। आपने गोल भी सेट कर लिया और वो अचीवेबल भी है, वो रियलिस्टिक भी है और वो मेजरेबल भी है, पर क्या आपने ये डिसाइड किया है कि आपको कितने टाइम में उस गोल को अचीव करना है? दोस्तों, हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना होता है और उसके लिए ना एक डेडलाइन होती है कि उतने टाइम पीरियड में हम उसी बिल को पेमेंट कर देते हैं। तो सेम फंडा हमारी लाइफ में भी है कि हम ना गोल डिसाइड करते हैं बट उसके लिए भी एक डेडलाइन होनी चाहिए कि उतने टाइम पीरियड में वो अचीव हो जाना चाहिए। अगर हम ये डेडलाइन नहीं रखेंगे तो हम उस पर इफेक्टिवली काम नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने ये देखा कि हमें गोल क्यों डिसाइड करना चाहिए और कैसे डिसाइड करना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना गोल डिसाइड नहीं किया है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप अपना गोल डिसाइड करने बैठे हो तो इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में ज़रूर रखना। शायद मेरी ये 4-5 मिनट की वीडियो आपके काम में आ जाए। सो ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप हमारी चैनल स्टडी टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे ही हम सब मिलके दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करना मत भूले ताकि मैं ऐसे और वीडियोस डाल सकूं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।